हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आपके सामने जो शेयर लेके आया हूँ वो है जमुना ऑटो इंडस्ट्री। एक ये बहुत ही सस्ता इस आपको शेयर है, और आप देखेंगे इनके जो भूपत सिंह जोहार चेयरमैन है, रणदीप सिंह जो जोहार है वो वाइस चेयरमैन है, और प्रदीप सिंह जोहार जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। एक अच्छी कंपनी है, इनका अच्छा खासा इनका बिजनेस भी है, और ये अच्छे खासी जगह पर लोकेटेड भी है। और आपको इनको दिखाएं तो इनके जो आप देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे ये लोकेट है, इसके बारे में अगर दिखाए हैं तो इनको दिखाते हैं आपको क्या क्या पे ये बनाते हैं। सस्पेंशन प्रोडक्ट, मल्टी लीफ स्प्रिंग, पैराबोलिक स्प्रिंग, ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं ये, और अच्छे खासे इनके पास एरिया भी है और लोकेशन भी जहाँ जहाँ ये काम करते हैं। तो आप देखेंगे ये इनके अगर लोकेशन देखेंगे तो ये देखिए ये इस एरिया में काम करते हैं। यहाँ पे एक है, ये हरियाणा में है, ये भी आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड में है, ये देखिए उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ पे एमपी में है, फिर यहाँ पे झारखंड में है, फिर ये इनका महाराष्ट्र में है, और ये फिर देखिए तो तमिलनाडु में है, केरला में है, आप यहाँ पे देखिए कंचीपुरी में है, और फिर यहाँ पे एक है तमिलनाडु में। तो ऐसे करके इनके 6 ब्रांचेज हैं जहाँ पे ये बिजनेस कर रहे थे। और अगर वैल्यू की बात करें तो ये 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक 58 का बनाया है, और यहाँ से 102 रुपये का हाई भी बना चुका है। सेंटीमेंट इसमें देखिए कितना अच्छा इसमें दिखा रहा है, 75% का हाई दिखा रहा है, मैं बाइंग दिखा रहा है, 75% लोग बाइंग के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पेनी स्टॉक है, और ये अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो आपको समझिए यहाँ से ये 200 रुपये जाने का भी वैल्यू रखता है, दम रखता है, लेकिन आपको 2-3 साल होल्ड करना पड़ेगा। ये ऑटो इंडस्ट्री में अच्छा बिजनेस करती है। अगर इसके शेयर होल्डर पैटर्न को चलिए देख लेते हैं एक बार, शेयर होल्डर पैटर्न क्या है इसका, तो आप शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो प्रमोटर है, प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं, जो शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं, यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 47% के आसपास है, 47% यहाँ पे है। इंडियन के पास, FI के पास 47% है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग के पास, और भी देखें यहाँ पे तो म्यूचुअल फंड के पास है, फाइनेंशियल बैंक्स के पास है, तो ये सब अच्छे खासे हैं इनके पास होल्डिंग है। और इसके फाइनेंशियल को एक बार देख लेते हैं, फाइनेंशियल भी क्या है, तो इसका जो अभी फाइनेंशियल आया है क्वार्टरली रिजल्ट जो इसका आया हुआ है जून 18 का है, तो आप देखेंगे 236 से सीधा डबल हो गया है, 236 से सेल बढ़ के सीधा 548 पे आ गया है, और प्रॉफिट लॉस भी देखेंगे तो आप जो प्रॉफिट लॉस बिफोर इनका 18 से सीधा 51 हो गया है। ये कंपनी आगे जाकर के अच्छा परफॉर्म करेगी, और बहुत ही अच्छा आपको वैल्यू भी दिखाई देखने को इसमें मिलेगा। तो अगर मैं इसके चार्ट को भी चलूँ, ये इसके फेस वैल्यू को देखो तो फेस वैल्यू 1 रुपये का फेस वैल्यू है इसमें, और अगर मैं इसके और डिटेल में जाऊं तो एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, तो आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को भी देख सकते हैं, ये देखिए इसका डिलीवरी परसेंटेज, ये सिर्फ अपने बुक वैल्यू के 6 times में मिल रहा है, और ये डिलीवरी परसेंटेज देखिए इसका 44%, 47%, 50%, तो अच्छा खासा इसमें डिलीवरी भी इनकॉर्पोरेटेड है। और पी रेशियो देखिए इंडस्ट्री, इसका पी रेशियो 18 है जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो 21-22 है। तो डिविडेंड भी ये कंपनी देती है 85%। ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ये पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखने जैसी कंपनी है, और अभी इसमें बाइंग पोजीशन पे भी बन रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे डेली चार्ट पे देखेंगे एक बाइंग सिग्नल भी है, तो ये अगर अपने लेवल को क्रॉस करती है जो अभी है 80 के आसपास क्रॉस करती है, तो 90 का भी आपको देखने को मिल सकता है। आज इसने 74 से ब्रेक करके नीचे लाया है, 70 पे लाया है, तो ये अगर ये यहाँ पे ब्रेक करती है, 74 को ब्रेक करती है,
तो आपको लगभग 80 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका रेशियो 80 क्रॉस करने के बाद ये 90 भी आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो है इसका, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, 41 तो जाने वाला नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस की चिंता नहीं करना। लेकिन अगर 41 तोड़ता है तो नीचे थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन आज जब आप देखेंगे इंट्राडे में, अब मैं आपको 1 आवर के चार्ट दिखा इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इंट्राडे में क्या वॉल्यूम हुआ है, तो क्या वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे, ये 229,000 शेयर का क्या वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग किया। तो ये मैं ये बताना चाह रहा था कि ये शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो पर रखें, ये आपको 100 रुपये कभी भी दिखा देगा, और नीचे पे जितना हो सके इसको बाय कीजिए। आप इसको 200-200 शेयर या 100-100 शेयर करके बाय कीजिए, 7,000 के SIP कीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा इसमें देखने को मिल सकता है। ये भी एक पेनी स्टॉक की तरह काम करता है और आपको यहाँ बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर मैं इसके एक बार इसके मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं, एक बार इसके मूविंग एवरेज को देख करके बता देख सकते हैं कि टेक्निकल भी इसको क्या है, इसके वॉल्यूम के साथ ये काम कर रहा है। वॉल्यूम आज भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव ट्रेंड में ही ये काम कर रहा है। अभी 74 को तोड़ के नीचे लाया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 90 तक जाने का दम रखता है। अगर इसका हम वीकली चार्ट ले लेते हैं और इसके एक्सपोनेंशियल को देखते हैं एक बार, तो कहीं पे भी देखेंगे तो ये अच्छा खासा, ये देखिए ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये जो है ये 50 दिन के एवरेज को क्रॉस कर रहा है। 50 दिन का जो एवरेज होता है 73 का है और ये इसको क्रॉस करके निकल रहा है। तो अब समझिए कितना अच्छा बात है कि 50 डेज के एवरेज को ये क्रॉस कर करके, और अब जो ये जाएगा ये अपना 100-200 सबको क्रॉस करते हुए, 50 को क्रॉस करते हुए ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये अपने टॉप को 77.43 क्रॉस करता है तो अब आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा ये, और मेरे अंदाज से ये यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे 85-90 समझिए आप 90 के आसपास, और 90 से जंप लेता तो वापस आपको जो 100 दिखा था, और इस बार ऊपर 100 से भी आगे निकल जाने का दम रखता है ये। तो आपको इस बार जो होगा आपको ऊपर 100 रुपये से ऊपर निकलने का ये अच्छा खासा दम रहता है, आपको दिखा सकता है। और आप जो देख रहे हैं 102 का हाई बनाया है, ये इसको भी क्रॉस करके जाएगा। तो आप पोजिशनल बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को आप डिलीवरी परसेंटेज पे रख सकते हैं, या एवरेज वॉल्यूम भी अगर डेली का देख रहे होंगे तो एवरेज वॉल्यूम भी इसमें देखिए 8,20,000 का एवरेज आ रहा है, 4,46,000, तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी ये ट्रेड कर रहा है। इसको देखिए, वॉच लिस्ट पे रखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और आपको अगर पोजिशन बनाना हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के आप पोजिशन भी बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।